दोस्तों ये है जियो फाई टू, जिसमें आप अपनी जियो की सिम लगा करके इसको आप अपना पर्सनल हॉटस्पॉट बना सकते हैं। जियो की सिम जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसके जो प्लान्स हैं उसकी सिंपल आप सिम इसके अंदर लगा करके उसके जो इंटरनेट यूजेज है वो अपने अदर डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इसको सेटअप करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी ये है बॉक्स, बॉक्स के ऊपर जियो डिजिटल लाइफ लिखा है। ये है इसका मॉडल है जियो फाई टू, योर पर्सनल हॉटस्पॉट। इसमें पीछे इस पर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई है। इसकी प्राइसिंग दी हुई है 2499, लगभग इतने का ही आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। नेट क्वांटिटी और भी कुछ इसमें अदर चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें आपको बाद में पढ़ सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, क्रिएट योर ओन हॉटस्पॉट, कनेक्टेड अप टू 31 डिवाइसेस। इसमें लिखा है कि इसके हॉटस्पॉट बनाने के बाद आप इस जियो फाई से आप 31 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बैटरी जो दी हुई है वो 2300 mAh की बैटरी है। इसमें आप SD कार्ड भी अलग से सपोर्ट कर सकते हैं 32 GB तक का। एनेबल HD वॉइस एंड वीडियो कॉल ऑन एनी स्मार्टफोन, वो इसकी एक अलग से फीचर है। इसकी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सिर्फ एंड्रॉयड में काम करेगा आपका। अगर आईफोन है तो उसमें वो वाली एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड, तो ये इसके फीचर्स हैं। फटाफट से अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो ये इसका इनबॉक्स कंटेंट है। इसमें आपके कुछ लीफलेट्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी है। बाकी मैं सभी अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ही। ये इसका वारंटी कार्ड है, इसकी एक साल की वारंटी मिलती है डिवाइसेस की, और इसके साथ जो एसेसरीज हैं उसकी 6 महीने की वारंटी मिलती है। ये है हमारा मेन डिवाइस जियो फाई टू, काफ़ी शाइनी सा इसका लुक है। इसके साथ ही एक बैटरी दी हुई है, जो इसकी कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताई थी 2300 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है। इसके साथ आपके चार्जिंग एडेप्टर है, उसके साथ साथ आपकी पावर केबल दी हुई है जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है। पावर केबल दी हुई है, नॉर्मल इसकी लेंथ है, जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन की केबल की लेंथ होती है, काफ़ी बढ़िया स्टडी है। ऐसी नहीं कि आपको कोई टुच्ची सी केबल दे दी हो, नहीं, बढ़िया केबल है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। माइक्रो USB टू USB केबल दी हुई है, आप चाहें तो इसको अपने नॉर्मल मोबाइल के चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी बैटरी है, आपको इसको इसमें लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको इस तरह से यहाँ से आपका ये आप देख सकते हैं पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपका ये ओपन होगा। इसमें आपके ऊपर लिखा है जियोफाई, या आपका ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। साथ ही साथ पूरी प्लास्टिक बिल्ट है, कहीं से भी मेटल का यूज़ नहीं है। ये ऊपर आपको ग्लास जैसा लग रहा है, लेकिन ग्लास नहीं है, प्लास्टिक है। ये आपका USB पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं इसको। इसका एक और फंक्शन है, इसमें आप ये जो आपकी USB केबल है इसके थ्रू अगर आपने इसमें SD कार्ड मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस में, अपने PC में, अपने लैपटॉप में, उसमें जो डेटा है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। 32 GB तक का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है। इसको आप इस तरह से यहाँ से करके इसको ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। इसमें अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर आपकी सिम लगेगी, जियो की सिम, यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगेगा। इसके साथ ही मैं आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसमें एक छोटी सी पिन को अंदर डाल के आप इसको रीसेट कर सकते हैं। आपका इसका जो पासवर्ड है, आपका पासवर्ड इसमें ही लिखा हुआ है, या आपका ये पासवर्ड लिखा हुआ है PWD, या आपका पासवर्ड है। जब आप इसको लॉगिन करके इसका हॉटस्पॉट बनाएंगे तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो ये पासवर्ड आपको लिख के रखना पड़ेगा कहीं पे अपने साइड में, ताकि आप इसको भूल ना जाएं और आप इसको यूज कर सकें। तो इसके सारे पोर्ट्स हो गए। अब आप इसको बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली इसके बटन जो है इसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, इसलिए मैं अभी इसमें सिम नहीं लगा रहा, आपको इसको वैसे ही लगा करके दिखाता हूँ। ये मैं इसको अभी बंद भी नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिम वगैरह भी लगा के दिखाऊंगा। आपको इसको बेसिकली ये इसका ऑन ऑफ का जो बटन है, आपको इसको स्टार्ट करने के लिए 2-3 सेकंड तक, 3-4 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखना होगा।
ये देखिए ऑन हो गया है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन दी हुई है। अगर आपकी रेड लाइट बिंग कर रही है, इसका मतलब आपने सिम इसमें या तो लगाई नहीं हुई है, अगर लगाई हुई है तब भी लाइट है इसकी रेड लाइट है, तो आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हो पाई है। चलिए अब हम इसको इसमें सिम लगा करके आपको दिखाता हूँ कि सिम लगा करके किस तरह से पूरी फंक्शनैलिटी इसकी कैसी होगी। इसको इसी तरह से ऑफ करने के लिए भी आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। ये सिम लगाने के लिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये लॉक और अनलॉक का इसमें लिखा हुआ है, तो आपको इसको पहले इधर करके इसको इस तरह से आपको सिम यहाँ पे लगानी है, ठीक है। सिम अच्छी तरह से जब प्लेस हो जाएगी तो आपको इसको बंद करके ये इसको आपको थोड़ा सा इधर की तरफ करना है, तो ये लॉक हो जाएगा ठीक तरह से, पूरी तरह से बंद करके। इसमें एक आपका WPS का बटन दिया हुआ है, अगर आपको WPS फीचर यूज़ करना है तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे, WPS फीचर इसका ऑन हो जाएगा। WPS फीचर से ये फ़ायदा होता है कि आपको इसका कोई जिस डिवाइस में दूसरे में आपको इसका इंटरनेट इसका वाईफाई यूज़ करना है तो आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, ये WPS फीचर होता है। ये जो आप ये यहाँ पे लाइट देख रहे हैं WPS की लाइट है, आप WPS जब इसके ऑन करेंगे WPS का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये लाइट ब्लिंक करेगी। इसका मतलब है कि WPS आपका यूज़ करने के लिए तैयार है। इस डिवाइस से आप WPS का के थ्रू भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसका WPS फीचर यूज़ करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको वाईफाई पे क्लिक करना है। वाईफाई पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एडवांस सेटिंग्स में जाना है। एडवांस सेटिंग्स में जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे लिखा आएगा WPS कनेक्शन। अगर आपने अपने JioFi का WPS बटन प्रेस करके रखा हुआ है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा। अभी फिलहाल ये कह रहा है कि आप अपने डिवाइस का WPS बटन ऑन करिए। अगर आपने ऑन कर रखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपल क्लिक करके बिना पासवर्ड के आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा ऑन करते हैं सिम लगा करके। ये देखिए ये ऑन ऑफ का बटन है, आपका बैटरी इंडिकेटर है कि इसमें कितनी परसेंट बैटरी है, कम होगी तो उसी तरह से कम होता चला जाएगा। ये देखिए ग्रीन लाइट यहाँ पे, ग्रीन और ब्लू लाइट का मतलब ये है, ब्लू लाइट तब जलेगी जब आपके सिग्नल अच्छी तरह से इसमें नहीं आ रहे होंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगी तो ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हैं, जियो के सिग्नल वहाँ पे कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो सकता है ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट। वैसे एक्चुअली मैं अभी बंद रूम में कर रहा हूँ तो हो सकता है इस वजह से भी पूरी तरह से रूम ब्लॉक है तो शायद सिग्नल उतने अच्छी स्ट्रेंथ इसमें ना आ रही हो तो इस वजह से भी हो रहा हो। तो आप जब इसको ऑन कर देंगे इस तरह से, ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में होगा तो आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो इसका ये JioFi करके आपका आएगा, आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है, पासवर्ड आपका मांगेगा तो पासवर्ड आपको वही फिल करना है जो इसके अंदर आपने देखा होगा, आपने लिख के रखा होगा, आप उसी पासवर्ड को सिंपल यहाँ पे फिल कर देंगे और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इसमें, और कोई भी लंबा चौड़ा तामझाम इसमें नहीं है। आप इसमें USB टेथरिंग भी यूज़ कर सकते हैं जो इसकी डेटा केबल है, डेटा केबल के द्वारा आप USB टेथरिंग इसमें लगा करके अपने मोबाइल का सिस्टम में सेटिंग्स में जाके, वाईफाई में जाके, हॉटस्पॉट में जाके, जो भी है उससे आप वाईफाई USB टेथरिंग के द्वारा भी आप इसका इंटरनेट अपने PC में लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वाईफाई वायरलेस यूज़ ना करना चाहें तो। इसमें जो आपके जियो की सिम लगी हुई है आप उसके कॉलिंग का भी फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जियो की एप्लीकेशन है कॉलिंग के लिए, आप उसको इंस्टॉल करेंगे और आप इसके जो सिम है उसके कॉलिंग के फीचर का उस एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉयड की ही एप्लीकेशन है, आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है तो आप इसके कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी सिम से कॉलिंग फीचर यूज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर Jio 4G वॉइस एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, अगर आप आईफोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, आपको उनको सबको एक्सेप्ट कर लेना है, ये सारे परमिशंस को आपको अलाउ करना है। उसके बाद आपका आपका जो मोबाइल है वो आपका JioFi से कनेक्टेड होना चाहिए, उससे आप कनेक्ट करेंगे तो इस पर आपको क्लिक करके जो मिडल में आपका लिखा है JioFi आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट SMS भी जियो कॉल का सेलेक्ट करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट इसमें आप कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा JioFi, JioFi 2 का कॉलिंग के लिए।
तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा। OTP आपका उस नंबर पे आएगा जब आपने सिम ली होगी जियो की, तो आपने एक अल्टरनेट नंबर दिया होगा, तो उस अल्टरनेट नंबर पे आपका OTP आएगा। आपको सिंपल वो OTP यहाँ पे फिल करना है, फिल करके ओके करना है, बस आप कॉलिंग के लिए तैयार। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसी सिम से कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा तामझाम नहीं है, सिंपल आपका प्लग एंड प्ले है। इसमें कुछ भी आपको सेटअप वगैरह ऐसा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल इसमें सिम इंसर्ट करानी है, सिम इंसर्ट करनी है जो कि आपकी एक्टिवेटेड सिम हो, एक्टिवेट पहले से हो रखी हो, या आप लगाने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। सिम एक्टिवेट होनी चाहिए इसको रन कराने के लिए। तो जियो के जो आपके प्लान हैं, जो उसके मंथली प्लान हैं या 3 महीने या जो भी उसका जियो के जो नॉर्मल प्लान्स होते हैं, वाईफाई के इंटरनेट के जो प्लान्स होते हैं, उसको आप इसमें एक्टिवेट करवा के उससे रिचार्ज करा करके वही सेम प्लान आप यूज़ कर सकते हैं इस JioFi में। चलिए मैं आपको इसकी एक बार स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये जो जियो का JioFi 2 है ये कितनी स्पीड देता है। बेसिकली इसकी स्पीड आपके एरिया पे डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे वाईफाई की स्ट्रेंथ, जियो के जो सिग्नल हैं वो कितने अच्छे आते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं करके दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड क्या है। तो फिलहाल ये लगभग 3 Mbps की स्पीड आ रही है, जो ठीक ठाक है। आप वीडियो सर्फ, नेट सर्फिंग बड़े आराम से कर सकेंगे, वीडियोस यूट्यूब पे देख सकेंगे। दोस्तों ये वीडियो एयरटेल एक्सचेंज बॉक्स से कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट। आप इस वीडियो में आपको सभी कुछ बताऊंगा इस एयरटेल एक्सचेंज बॉक्स के बारे में। तो ये मैंने सेटिंग्स इसकी हाई कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी कोई बफर वगैरह नहीं आया, तो स्पीड इसकी अच्छी आ रही है। तो जी ये था हमारा JioFi 2 पर्सनल हॉटस्पॉट जियो का डिवाइस, जिसके द्वारा आप अपने जियो की सिम से इस डिवाइस में लगा करके उसको हॉटस्पॉट बना सकते हैं और 31 डिवाइस उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैटरी जो है, बैटरी आपको फुल चार्ज होने के बाद आपको लगभग 7 घंटे करीब का आपको बैटरी आउटपुट दे देगी। 7 घंटे तक, लगभग 7 घंटे तक आप इसको इंटरनेट इसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं। इसको चार्ज होने में लगेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे इसकी बैटरी को फुल्ली चार्ज होने में। तो मैंने इसमें कोशिश करी कि लगभग इसकी सभी चीज़ें आपको बता दूं, इसकी सभी सारी बातें कवर कर लूं। अगर फिर भी मुझसे कोई बात इसकी रह जाती है, कोई फीचर इसका रह गया, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसके आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दूं। तो बस यही था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।